इस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास 17 to 24 हैं। लास्ट के 16 क्वेश्चन हैं, उसके दो पार्ट हैं, वो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार उसको जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने कुछ सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। पहली आपके पास सीरीज थी जिसको बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। लाइमन सीरीज़ का मतलब जहां एन की वैल्यू आपके पास 1 थी। सेकंड आपके पास आती है बाल्मर सीरीज़ जहां आपके पास एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आपके पास आएगी, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज़ से इतना पता चल गया कि एन की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 आपके पास है। अब देखो ये क्या कहता है कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर आपको वो चीज़ बतानी है कि ट्रांजिशन आपको जिसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है, सबसे बड़ी वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वेव नंबर उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से देखना कि आपसे वेवलेंथ पूछी है, कौन सी ट्रांजिशन पूछी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन आपसे पूछी है। तो आपको एक रिलेशन पता है कि वेव नंबर आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो अगर आपके पास वेवलेंथ बड़ी होगी इसका मतलब क्या है, वेव नंबर आपके पास छोटा होगा, ठीक है। अगर वेव नंबर की वैल्यू आपके पास छोटी होगी तो ऑब्वियस वो किसके लिए निकलेगी, जब आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन आपके पास होगा, ठीक है। अब देखो वेव नंबर कब आपके पास बड़ा होगा, इतना आपको पता चल गया कि जो ट्रांजिशन आपके पास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बाल्मर सीरीज में हो रहा है। मतलब आपके पास एन की वैल्यू 2 आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ये क्या है, एन आई की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू आपके पास एन आई की गिवन है। अब देखो ट्रांजिशन कहाँ से पॉसिबल होगा, अब देखो आपको सबसे वेव नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि वेव लेंथ आपके पास बड़ी हो। तो छोटी वेव आपके पास वेव नंबर कब होगा, जब सेकंड जो आपके पास एनर्जी लेवल है उसके पास वाले एनर्जी लेवल से क्या हो, ट्रांजिशन पॉसिबल हो। तो देखो 4 वाला क्या है, दूर है। आपके पास 3 वाला क्या है, इसके सबसे पास में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जब आपके पास 3 से आपके पास, मतलब 3 से 2 में जब ट्रांजिशन आपके पास होगी वो आपके पास किसकी हो गई, कम वेव नंबर वाले की होगी। कम वेव नंबर का मतलब क्या है, जिसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो आपको देखो ये भी पता चल गया एन आई आपके पास दिया हुआ है क्योंकि बाल्मर सीरीज लिखा हुआ है। अब आपको एन एफ की वैल्यू का पता चल गया, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो सिंपल जो आपका वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। देखो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय आपके पास एन आई स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन एफ स्क्वेयर इंटू में 1.097 इंटू 10^7 पर मीटर आपके पास। एन आई की वैल्यू आपको पता है 2 वैल्यू है, आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। एन एफ की वैल्यू आपने निकाल ली कि सबसे छोटा वेव नंबर कब आएगा, जब पास वाले से ट्रांजिशन आपके पास पॉसिबल होगा। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन एफ की वैल्यू क्या है, आपके पास 3 वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। देखो ये आपके पास 1.097 इंटू 10^7 आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा। इंटू में 1 बाय एन आई स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर माइनस में 1 बाय क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर 4 आपके पास होता है, 3 का स्क्वेयर आपके पास 9 होता है। दोनों का एलसीएम लिया 36 आया, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई 1.5236 इंटू 10^6 पर मीटर आपके पास, ठीक है। वेव नंबर कम की वैल्यू आई है, मतलब क्या है, ये वेव नंबर की वैल्यू वो वैल्यू आई है जिसके लिए वेवलेंथ ट्रांजिशन आपके पास है वो सबसे बड़ा आपके पास है, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। इसने कहा है व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल, आपको एनर्जी निकालनी है जूल में। अब देखो रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। इसने बोला कि यहाँ पर
आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है बोर का, इसने बोला यहाँ पर आपके पास क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इस फर्स्ट ऑर्बिट से किस में जा रहा है, फिफ्थ के अंदर आपके पास जा रहा है, ठीक है। मतलब वन से फाइव में जा रहा है, इसका मतलब ये वन क्या है, इनिशियल वैल्यू है आपके पास एन की, एन की आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू आपके पास है। एन एफ जो एन की वैल्यू आपके पास फाइव है वो किसके लिए है, वो आपके पास फाइनल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो आपको पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, सीधा निकाल लेते हैं, आपके पास जो आपके पास चेंज इन एनर्जी आएगी, देखो आपके पास कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर मैंने बोला कि एक एन की वैल्यू वन से फाइव में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, जब वो उतना उसको मिल जाएगा तभी वो क्या होगा, ऊपर आपके पास ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। एन की वैल्यू वन से एन की फाइव वैल्यू के बीच में जो एनर्जी गैप है, अगर वो उसको एनर्जी मिल जाती है तभी वो क्या जाएगा, फिफ्थ के अंदर जाएगा। अगर ट्रांजिशन आपकी रिवर्स होना चाहती है, वो कहता है कि पाँच में से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फर्स्ट वाले में जा रहा है, तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज है वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके चेंज के इक्वल आपके पास होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, जो आपके पास फिफ्थ के अंदर एनर्जी है माइनस में क्या करोगे, जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आपके पास एनर्जी है, यही बोर ने आपको बोला था। तो देखो ई फाइव माइनस में क्या हो जाएगा, ई वन आपके पास। अब आपको पता है कि एनर्जी क्या है, होती है माइनस 2.18 इंटू 10^-18 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। हाइड्रोजन की बात आपके पास हो रही है, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या है, वन आपके पास। एन की वैल्यू देखो, जब आपके पास एन एफ आपके पास क्या है, ई फाइव के लिए एन की वैल्यू फाइव है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप लेफ्ट में माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू 10^18 जूल इंटू जेड की वैल्यू वन है, एन की वैल्यू आपके पास फाइव है। माइनस में ई वन के लिए देखो क्या होगा, कॉन्स्टेंट क्या है, 2.18 इंटू 10^-18, Z की वैल्यू 1 है तो इनटू में आपके पास यहाँ 1 है। आपको पता है नीचे N की वैल्यू भी 1 है, ये भी आपके पास 1 है, इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, सिंपल कॉन्स्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, आपको पता है माइनस 2.18 इंटू 10^18 आपके पास क्या है, कॉमन वैल्यू है, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, यहाँ से इस वैल्यू को कॉमन निकाल लिया और अंदर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर बाय आपके पास 25 आपके पास है, ठीक है। माइनस वैल्यू हमने कॉमन नहीं ली, इधर आपके पास माइनस माइनस प्लस है तो प्लस वाली को पहले रख दिया कि वन, इधर आपके पास माइनस है 1/25, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू को आपने आगे रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 24/5। सॉल्व करोगे तो एनर्जी देखो आपके पास कितनी आ गई, 2.0928 इंटू 10^-18 आपके पास आ गई। सिंपल है, देखो आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है, कितनी एनर्जी आपके पास चाहिए आपको। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है आपके पास, फर्स्ट से फिफ्थ में जा रहा है, तो जो फिफ्थ की एनर्जी है उसमें से हम क्या करते हैं, फर्स्ट की एनर्जी को माइनस कर देते हैं, तो वो एनर्जी आपको पता चल जाती है किसको कितनी चाहिए या कितनी एनर्जी निकल रही है, दोनों क्या होती है, इक्वल आपके पास। तो देखो ई फाइव में से ई वन माइनस कर दिया, सिंपल मैंने एनर्जी की वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है, एक बार एन की वैल्यू को फाइव पुट किया, एक बार आपके पास एन की वैल्यू को वन पुट किया, सिंपल, क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। मैंने अभी बताया था जो एनर्जी ऊपर जाने में लगेगी जब वापस आएगा तो भी उसी वही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी इसका मतलब कितनी है, जो आपने अभी निकाली है उसके इक्वल है, 2.0928 इंटू 10^-18 जूल के इक्वल है, ठीक है। एनर्जी आपको पता है लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। अब देखो आपको पता है एनर्जी जो आपके पास है, एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है,
इतने सारे न्यूमेरिकल हमने इसी बात पर सॉल्व कर लिए हैं लास्ट वाले पार्ट के अंदर। अब देखो एनर्जी किसके इक्वल है, एच सी बाई लैमडा के इक्वल है। आपसे लैमडा पूछा है, लैमडा मतलब एच सी बाई ई आपके पास हो जाएगा। तो देखो एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट आपके पास, ठीक है। प्लैंक कॉन्स्टेंट सिंपल कॉन्स्टेंट है, वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻³⁴। ठीक है, सी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड आपके पास है। आपके पास नीचे एनर्जी है, एनर्जी जो अभी अभी आपने निकाली है 2.0928 × 10⁻¹⁸ जूल। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, सबकी वैल्यू रख दी तो आपके पास किसकी आ जाएगी, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। एनर्जी आपको दे दी कि किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ अपॉन आएगा आपके पास क्या है, −2.18 × 10⁻¹⁸ बाय एन स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, आपको ये रिलेशन पता भी है, इंटू जेड स्क्वेयर, जेड मतलब हाइड्रोजन की बात है तो वन आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द एन सेकेंड ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, ये कहता है आपके पास जब एन की वैल्यू जहाँ पर आपके पास टू है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली क्या है, बाहर जा रहा है। बाहर कहाँ जाएगा, इसने ये नहीं बोला कि ट्रांजिशन में एक्साइटेड हो रहा है वो, इसने बोला है कि वो कम्प्लीटली बाहर चला गया। कम्प्लीटली बाहर जाने का मतलब है कहाँ चला गया, इन्फिनिटी वैल्यू के ऊपर चला गया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है कि सेकंड आपके पास ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर कम्प्लीटली चला गया। कम्प्लीटली का मतलब है कि इन्फिनिटी वैल्यू के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, इसका मतलब सेकंड से इन्फिनिटी पे गया है तो एन आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, टू आपके पास है। आपको ये क्वेश्चन के अंदर देखना होता है एन आई क्या है, एन एफ क्या है आपके पास। तो यहाँ आपके पास एन आई क्या है, टू है, एन एफ आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आपके पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ सेकंड से इन्फिनिटी पे गया है तो बीच में जो एनर्जी चाहिएगी आपको वो क्या है, चेंज इन एनर्जी, उसी के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो आपके पास सेकंड से इन्फिनिटी पे गया है, ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, जो इन्फिनिटी पे एनर्जी है वो, और एक आपके पास जो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी है वो, दोनों का अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो इसने भी यही किया है कि एनर्जी डिफरेंस क्या है, इन्फिनिटी से क्या किया, सेकेंड के अंदर आपके पास है वो एनर्जी डिफरेंस है। तो देखो ई इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ एन की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करना है। किसी की भी वैल्यू के नीचे इन्फिनिटी आता है मतलब वो वैल्यू क्या है, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो देखो माइनस करके सेकंड आपके पास है, मतलब एन की वैल्यू टू आपके पास, तो एन की वैल्यू को टू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.545 × 10⁻¹⁸। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछता है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ये कहता है इसके लिए आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है ई किसके इक्वल है, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है। एच सी बाय लैम्डा के इक्वल आपके पास होती है एनर्जी। ठीक है, अब आपको लैम्डा निकालना है, इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी बाय ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ई देखो आपने अभी अभी निकाला है। ठीक है, एच पता है आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू है 6.6 × 10⁻¹⁴। सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। सबकी वैल्यूज़ को पुट करोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके कितना आंसर आया है आपके पास, 3647 × 10⁻¹⁰ के इक्वल आपके पास आया है, मीटर के इक्वल। इसने क्या किया, आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻¹⁰ मीटर के इक्वल होता है। तो इसने लास्ट में क्या किया, एंगस्ट्रॉम के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया। सिंपल सा सवाल है। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 2.05 × 10⁻⁷ m/s। आपको वेलोसिटी दी है, आपको वेवलेंथ पूछा गया है, डी ब्रोगली कंसेप्ट आपके पास लग रहा है, ठीक है। डी ब्रोगले इक्वेशन आपको पता है किसके इक्वल होती है, एच लैम्डा इक्वल टू एच बाय मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एम वी आपके पास, ठीक है। तो देखो लैम्डा किसके इक्वल है, एच बाय एम वी के इक्वल है। क्वेश्चन के अंदर वी आपको दिया है, क्वेश्चन के अंदर वी आपको दिया है, एच क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब एच भी आपको पता है, म्यू भी आपको पता है, एच भी आपको पता है, एम से मतलब क्या है, मास। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखा है और आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, सारी वैल्यू आपको पता है, लैम्डा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो सबकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी है 2.05 × 10⁻⁷ m/s, सबकी वैल्यू को सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास, कितना आएगा 3.548 × 10⁻¹ m। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इस बार आपको इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, ठीक है। आगे इसने बोला है इफ इट्स एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻²⁵ जूल आपके पास, इसने इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया आपको, साथ में ये काइनेटिक एनर्जी भी आपको दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको दे रहा है ये, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको पता है, आपसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। देखो आपको पता है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा की वैल्यू एच बाय एम वी के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब एच आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, आपको वैल्यू का पता है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये क्वेश्चन के अंदर भी दे दिया आपको, वी आपको पता करना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, आपको वी नहीं दिया, इस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप क्या निकालोगे, वी निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी पता है आपको किसके इक्वल होती है, हमेशा हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है, तो वी यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, टू को क्या करोगे, इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे टू की काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी अपोन में आपके पास क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी अपोन में मास, वी का स्क्वेयर, स्क्वेयर हटाओगे तो क्या लगाओगे, रूट आप लगाओगे, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, एम आपको पता है, दोनों की वैल्यू को पुट करो, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 811.579 m/s। अब दोबारा डी ब्रोगले इक्वेशन पे चलते हैं, देखो डी ब्रोगले इक्वेशन आपको क्या कहता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, एच कॉन्स्टेंट आपको पता है, एम आपको पता है, वी आपने अभी अभी निकाल लिया, तीनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो देखो आपके पास आंसर कितना आ गया 8.9625 × 10⁻⁷ m। एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.6 × 10⁻³ एम मास 9.1 × 10⁻³ क्वेश्चन के अंदर दिया है आपको, वी अभी अभी निकाला है 811.579 m/s, तीनों की वैल्यू को सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास 8.9625 × 10⁻⁷ m। सिंपल। सभी क्वेश्चंस आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, बस फिर तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इस बार, एच नेगेटिव के लिए, सोडियम पॉजिटिव के लिए, ओ टू नेगेटिव के लिए, एफ नेगेटिव के लिए। देखो क्या, सबसे पहले देखो एच के लिए निकालते हैं, आपको पता है एच के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एच के अंदर है,
तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s के अंदर जाता है। ओफबा प्रिंसिपल, एनर्जी बताई किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है किसकी ज्यादा है, तो क्या कहता है पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s1 हो गई। अब देखो पूछी किसकी है? एच नेगेटिव की पूछी है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा बढ़ा है आपके पास, माइनस वन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले था एक और बढ़ गया, टोटल कितने हो गए? दो आपके पास हो गए। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कॉन्फिग्रेशन क्या हो गई? 1s2 आपके पास हो गई। अगला देखो, सोडियम पॉजिटिव आपके पास है, सोडियम के अंदर कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मतलब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 आपके पास हैं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाता है, ओफबा प्रिंसिपल ने बोला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर आपके पास 2p के अंदर जाता है, फिर आपके पास 3s के अंदर जाता है। ठीक है, तो देखो कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, गिनो, दो चार, चार और छः, दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सोडियम के लिए। आपसे पूछा किसका है? सोडियम पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, कितना निकाला? प्लस वन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलता है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है? 3s आपके पास है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, एक ही आपके पास है, हटा दोगे इसको क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6 आपके पास, 1s2, 2s2, 2p6 आपके पास आ जाएगा। अब देखो O2 नेगेटिव आपके पास है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 आपके पास एटॉमिक नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहला इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, s के अंदर दो मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 1s2, फिर 2s2, p के अंदर कितने जाते हैं? 6 जाते हैं टोटल, लेकिन देखो आपके पास 2+2 4 हो गए, लेकिन आपको फिल कितने करने हैं? 8 फिल करने हैं, तो कितने बच गए? 4, तो चारों किस में जाएंगे? 2p के अंदर जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो आपसे पूछी किसकी है? O2 नेगेटिव की, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को इसने ऐड करवाया है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गए, पी के अंदर टोटल 6 हो सकते हैं, आपके पास 4 हैं, तो दोनों के दोनों किस में जाएंगे? इसी में जाएंगे, पी के अंदर। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2 और आपके पास 2p6 आपके पास हो जाएगी। अब देखो आगे आपके पास है एफ नेगेटिव के लिए, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p5 आपके पास, 5, 2, 7 और 2, 9 हो गए आपके पास। अब देखो एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आपका, किस में ऐड होगा? 2p के अंदर। अब देखो हो सकता है या नहीं, 2p के अंदर चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p के अंदर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी फाइनली? 1s2, 2s2, 2p6 आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1, 2p3, 3p5 आपके पास। देखो सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरी है, ओफबा प्रिंसिपल लिख लो आप, एनर्जी लेवल लिखो, किसका पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके बाद किस में जाएगा। तो देखो सबसे पहले किस में जाएगा आपके पास? 1s में जाएगा, फिर आपके पास किस में जाएगा? 2s में जाएगा, फिर आपके पास किस में जाएगा? 2p के अंदर जाएगा, फिर आपका किस में जाएगा? 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आपका किस में जाता है? 3p के अंदर आपके पास जाता है, 3p के बाद किस में जाता है? 4s में जाता है, उसके बाद आपके पास क्या है? 3d के अंदर जाता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है, ओफबा प्रिंसिपल की अलग से वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, मैं आपको नीचे लिंक भी सेंड कर दूँगी। अब देखो आपके पास ओफबा प्रिंसिपल ने बोला पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करोगे, फिर आप 2s के अंदर फिल करोगे, ये आपके पास s है,
ठीक है, अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा 2s में, फिर आपके पास 2p में, फिर आपके पास 3s में, फिर 3p में, फिर आपके पास 4s में, फिर आपके पास 3d के अंदर। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसने बोला इलेक्ट्रॉन आपका 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 3s में एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब अंदर वाले सारे फिल हो चुके हैं, तभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 3s में गया। आप क्या कहते हो, जब आपके नीचे लोअर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हो, ये पूरा हुआ फिर इसमें गए, फिर ये पूरा हुआ इसमें गए, तो 2p वाला पूरा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। इसका मतलब 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले सारे फिल हैं। तो देखो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6, तो 6 के 6 फिल हैं आपके पास। 2s के अंदर कितने होते हैं, 2 आपके पास। s के अंदर कितने होते हैं, 2 आपके पास। तो देखो p के अंदर 6, 2 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11 आपके पास हो गया। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। इसका मतलब आपके पास क्या है, सोडियम एटम के लिए पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, एटॉमिक नंबर पूछा है, मतलब क्या है सोडियम, सॉरी 11 क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब देखो 2p3, इसने बोल दिया इस p के अंदर कितना कर दिया, इसने बोला इस p के अंदर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। इस p के 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अंदर वाले फिल हैं। टोटल करो 3, 2, 5 और 2, 7, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7। एटम कोई पूछे, एटम 7 एटॉमिक नंबर वाला कौन होता है, नाइट्रोजन। अब देखो 3p के लिए, 3p5 के लिए आप से पूछा है, तो 3p5 आपके पास होगा तो अंदर वाले फिल। तो देखो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, 3p के अंदर 5 प्लस 2 आपके पास 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3s1 के लिए कितने हैं, 11, 2p3 के लिए कितना आया, 7, 3p5 के लिए आ गया 9 आपके पास, 3p5 आपके पास है। यहाँ पर इसने 2p5 कर रखा है, मैंने आपको बताया ना 2p के बाद क्या आएगा आपके पास, 3s आएगा, 3s2 आपके पास आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, 3p5 आपके पास आएगा, यहाँ 2p6 पूरा फिल है। अब गिनो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 और 2 17 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ मिसप्रिंटिंग थोड़ा सा हो रखा है आपके पास। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, आगे कहता है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिग्रेशन। 2s1, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, 2 और 1 3, टोटल 3 आपके पास है, तो एटम कौन सा होगा, लिथियम। देखो नियोन का एटोमिक नंबर कितना होता है, 10, ठीक है 10 नियोन से इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पर है 12, 12 और 3 कितना हो गया आपके पास, कितने हो गए, 15 हो गए। आर्गन है, ऐसे ही आपको इन दोनों के लिए करना है। तो देखो हीलियम 2s1 के लिए कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 3, मतलब लिथियम के बारे में बोला है। नियोन के 10 और 5 15, 15 एटॉमिक नंबर आ गया, मतलब फॉस्फोरस के बारे में बोला है। ऐसे ही इसका निकालोगे 21 है, स्कैंडियम आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मोस्ट रिड्यूस एस्टीमेशन ऑफ एन दैट परमिट्स जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। देखो सबसे पहले तो ये देखो जी ऑर्बिटल आपके पास है, जी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एल की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, एन के ऑर्बिटल आपके पास होता है। फिर आपके पास क्या है, सॉरी n की वैल्यू 1 होती है, तो n की वैल्यू, l की वैल्यू जब 0 होती है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, s ऑर्बिटल होता है। n की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास p ऑर्बिटल होता है। n की वैल्यू 2 होती है तो आपके पास d ऑर्बिटल होता है। 3 होती है तो आपके पास f ऑर्बिटल होता है। और जब आपके पास n l की वैल्यू 4 आएगी तो आपके पास ऑर्बिटल कौन सा आएगा, आपके पास g ऑर्बिटल आएगा। तो g ऑर्बिटल के लिए l की कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास 4 वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में पूछता है मोस्ट रिड्यूस एस्टीमेशन ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है जो सबसे रिड्यूस्ड वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कम समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखो कि जी ऑर्बिटल आपके पास है, जी ऑर्बिटल का मतलब है एन एल की वैल्यू का 4 होना।
आपको पता है जब एल की वैल्यू 4 होती है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर एन की वैल्यू आपके पास एन है तो एल की वैल्यू आपके पास हमेशा कितनी होती है? एन माइनस वन होती है, 0 से लेके एन माइनस वन के बीच में आपके पास होती है। तो देखो, अगर एन की वैल्यू, एल की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम अगर इसकी 4 वैल्यू हो गई तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 5 होनी चाहिए। देखो, अगर मैंने एन की वैल्यू 4, तो आपको पता ही है, ठीक है, 4 की बजाय क्या हो सकता है, क्या पता 5 भी हो, क्या पता 6 भी हो, 4 आपको बीच की वैल्यू दे रखी हो। तो आपको इसने क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट रिड्यूस एस्टिमेशन बतानी है, जो सबसे कम वैल्यू आपके पास निकल रही है, छोटी से छोटी आप बता सकते हो। तो अगर n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, l की वैल्यू मैक्सिमम दी हुई होगी, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? उससे एक ज़्यादा होगी। तो l की वैल्यू 4 के लिए जो लिस्ट वैल्यू है n की, मतलब मोस्ट रिड्यूस एस्टिमेशन है n की, वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। समझे? एक लाइन का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देखकर आप डर सकते हो कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर निकालना ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, किसमें है? 3D ऑर्बिटल में आपके पास है। कहाँ है पोजीशन नहीं बताई, आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए एन की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ 3D के लिए क्या होगा, एक्सिम्यूथल क्वांटम नंबर बताओ क्या होगा, इसके बाद ML मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताओ क्या होगा। अब देखो, अगर मैंने इसने 3D आपसे पूछा है, 3 का मतलब क्या है? n की वैल्यू दी है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो, आपसे d ऑर्बिटल, इसका मतलब एक्सिम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? आपको सबशेल के बारे में बताता है। ठीक है, जब इसने बोला l की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 हुई तो आपके पास S सबशेल, 1 वैल्यू हुई तो आपके पास P सबशेल आपके पास होती है। ठीक है, अगर L की वैल्यू 2 होती है तब आपके पास क्या है? D सबशेल होती है। तो D सबशेल के लिए L की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, एक्सिम्यूथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस एल से लेकर आपके पास प्लस एल के बीच में लाई करता है। अब एल की वैल्यू अगर 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या पॉसिबल होगा? 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, सारी की सारी पांचों वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेंगी। ये क्या है? पॉसिबल वैल्यू है 3D ऑर्बिटल के लिए। आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन, अगले लेक्चर में अगले 8 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है, और अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।